जय हिंद दोस्तों। ताइए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे हिंदी में गद्यांश को कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी क्लास टेंथ में हैं और 20 फरवरी को आप लोग हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आप सभी जानते हैं कि हर साल के भांति इस साल भी आप लोगों को हिंदी में गद्यांश देखने को मिलेगा, और एक दो नंबर का नहीं बल्कि पूरे कंप्लीट 20 नंबर का मिलेगा। कितना? 20 नंबर का। जैसा कि आपके सामने दिया गया है, खंड ब में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों, इस बार जो स्टूडेंट कमजोर से कमजोर हैं वो भी इस बार हिंदी के पेपर में 100 में 100 करके आएंगे। झंडा लहरा देना है, दिखा देना है अपना पावर, और एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। आज का जो मोस्ट टॉपिक होने वाला है वो है गद्यांश का, और ऐसा गद्यांश बनाने का शानदार ट्रिक बताएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे जो आप लोग एक भी गद्यांश को छोड़कर आते होंगे तो अब छोड़ के नहीं आना है। इससे पहले आप समझे हो या ना समझे हो, लेकिन आज के बाद आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। 20 नंबर लेवे का है तो एकदम वीडियो में आइए, बने रहिए, और 20 नंबर पक्का मिलेगा और कोई नहीं रोक सकता है 20 नंबर, ठीक है। तो बोला गया है कि पहला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक जो है प्रश्न 2 अंक का होगा, कहने का मतलब यहां पर 5 प्रश्न रहेगा, यानी 5 प्रश्न और 2 नंबर का, यानी 10 नंबर। लीजिए, आपका 10 नंबर तो आपके हाथ में ही है और 10 नंबर लेकर ही जाइएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, इसी तरह से सेम टू सेम हू बहू इसी तरह का कॉपी रहेगा और इसी तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। तो देखिए, पहला जो हमारे सामने दिया गया है क खंड में, यानी कि खंड ब का जो क है, इसमें सबसे पहले आपको गद्यांश दिया गया है। तो दोस्तों, गद्यांश बनता कैसे है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना है, केवल सबसे पहले गद्यांश को एक बार पढ़िए, बस एक बार ही आप लोगों को पढ़ना है, वो भी सही ढंग से। तो देखिए, अभी हम आपको पढ़ के बताते हैं और सभी का आंसर भी आप लोगों को बताएंगे, इसी में सबका आंसर छुपा हुआ है और इसमें से लिख लिख के बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, क में दिया गया है, हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर एवं अशिक्षित है। गौर यहां पर गौर से देखिएगा, बोला है हमारे देश में जो है ना प्रौढ़ समुदाय कैसा है, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर एवं अशिक्षित है। उनकी यह अवस्था एक बहुत बड़ी समस्या प्रस्तुत करती है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहाँ शिक्षकों का अभाव है। देखिए, कौन सा शिक्षा के लिए? प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहाँ शिक्षकों का अभाव है। उम्र बढ़ जाने पर प्रौढ़ों में सीखने की इच्छा में कमी आ जाती है। कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है। समय के अभाव के कारण भी प्रौढ़ शिक्षा लेने में कष्ट अनुभव करते हैं। देखिए, अनुभव करते हैं, कंप्लीट एकदम पढ़, पहले तो आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। अगर आप पढ़ लिए हैं तो क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आइएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो समय के अभाव के कारण भी प्रौढ़ शिक्षा लेने में कष्ट अनुभव करते हैं। हमारे किसान एवं कामगारों का जीवन बहुत ही कठिन एवं श्रम साध्य है। उन्हें भी आराम एवं मनोरंजन की आवश्यकता होती है, जो प्रायः गांव में उपलब्ध नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र पर जो कुछ सिखाया तथा पढ़ाया जाता है उसका उनके जीवन में बहुत ही, देखिएगा, बहुत ही उपयोग है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन लेकर आए हैं, देखिए, बहुत ही क्या है, बहुत उपयोग है, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा का नवीनीकरण तथा उसकी उपयोगिता को सामाजिक बनाना आवश्यक है। इतना तक हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि आपके सामने 5 क्वेश्चन रहेगा। देखिए, ये 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। बोला है हमारे देश का प्रौढ़ समुदाय कैसा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि कैसी शिक्षा के लिए शिक्षकों का अभाव है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा में है कि किन्हें कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है। चौथा है कि हमारे देश के किसानों का जीवन कैसा है। एंड पांचवा है कि किस शिक्षा का नवीनीकरण आवश्यक है। जो हम आपको पीछे बताए थे गद्यांश जो पूरा पढ़ने वाला था, उसी में इसका आंसर है। चलिए, आज हम एक एक क्वेश्चन का आंसर अपने अंदाज में बनाते हैं। आइए दोस्तों, अब जो है हम सभी का क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है। और देखिए, एक टॉपर जो है गद्यांश को कैसे लिखता है, वैसे आज हम आपको बताएंगे, और आप भी 20 फरवरी को ऐसे ही लिख के आइएगा, और 100% आपको इस तरह से एक गद्यांश नहीं बल्कि 2 गद्यांश है। तो पहला गद्यांश तो हम यहां पर बता दिए हैं, ठीक है, फिर दूसरा जो होगा वो भी बताएंगे। तो उससे पहले इसका क्वेश्चन देखिए, आपको लिखना कैसे है, देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से आपको लिखना है खंड ब।
खंड ब का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, इस तरह से लिख देना है, क्लियर है। अब देखिए खंड ब में जो है प्रश्न संख्या क का पहला बना रहे हैं, नहीं क का पहला बना रहे हैं, और पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि हमारे देश का प्रौढ़ समुदाय कैसा है, यही था। देखिए इसका आंसर देखिए आपको कैसे मिलेगा, देखिए यहीं पर मिल गया है कि हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर एवं अशिक्षित है, और यहां से यहां तक आप लोगों को लिख देना है, पहला का आंसर यही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो बोला गया है देखिएगा, बोला गया है कि हमारे देश का प्रौढ़ समुदाय कैसा है, तो आपको यहां से लिखना है। अब लिखना कैसे है, उत्तर दे के नीचे से लिखना है हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय, देखिएगा यहां पर लिखना है कि हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग, प्रौढ़ समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग क्या है निरक्षर एवं अशिक्षित है। बस इतना ही आपको लिखना है, और यहां से आपको दो नंबर मिल जाएगा, क्लियर है। देखिए किस तरह से आपको आंसर मिलता है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि कैसी शिक्षा के लिए शिक्षकों का अभाव है, तो आप यहां पर आप देख सकते हैं कि नीचे ही दिया गया है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहां शिक्षकों का अभाव है। क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको पढ़ते ही आंसर नजर आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक लिख दीजिएगा कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहां, देखिए आपको यहां से लिखना है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहां, दूसरा का जो आंसर हो जाएगा यहां पर लिखना है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहां क्या है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहां शिक्षकों का अभाव है। क्या लिखना है, शिक्षकों का अभाव है। बताइए कि कौन स्टूडेंट है जो अब जो है गद्यांश बना के नहीं आएगा, और उम्मीद करेंगे कि एक भी गद्यांश का क्वेश्चन का गलत जवाब लिखकर नहीं आना है, सही का सही बनाना है, और 100% आपको नंबर लेना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है कि किन्हें कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है, आइए इसका भी आंसर आपके नीचे दिया गया है, तो देख लीजिए यहां पर नीचे दिया गया है आपके सामने, बोला गया है कि हमारे किसान एवं कामगारों का जीवन बहुत कठिन है, ठीक है, और एवं श्रम साध होता है। तो देखिए ये हमारा नहीं होगा, क्वेश्चन था हमारा कि किन्हें कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है, ठीक है। तो देखिए कहीं पर लिखा होगा, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, और निश्चित रूप से, और देखिए ये है कहां पर, तो इसमें खोजना पड़ेगा। हाँ देखिए यहां पर, उम्र बढ़ जाने पर प्रौढ़ों में सीखने की इच्छा में कमी आ जाती है, कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है। आपको यहां से लेकर यहां तक लिख देना है, और तीसरा का यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो लिखना है आपको कैसे कि उम्र बढ़ जाने पर प्रौढ़ों में लिखिएगा तीसरा का आंसर इस तरह से कि उम्र बढ़ जाने पर प्रौढ़ों में सीखने की इच्छा में कमी आ जाती है और इसलिए कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है। बताइए इस तरह से कौन नहीं लिख के आएगा, और 100% लिखकर आना है दोस्तों इस बार, क्योंकि 20 नंबर लेना है, और एग्जामिनर का
एक भी नंबर जो है इसमें काटने में कहीं पर भी अनुभव नहीं करेगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं काट सकता है, तो एग्जामिनर तो दूर की बात है, इस तरह से आपको लिखना है। अब आइए आपके सामने है चौथा सवाल कि हमारे देश के किसान का जीवन कैसा है। ठीक है, आइए आपके सामने ही दिया गया है और यहां पर दिया गया है कि देखिए नीचे दिया गया है कि हमारे किसान एवं कामगारों का जीवन बहुत ही कठिन एवं श्रमसाध है। ये आपका चौथा का आंसर हो गया। बताइए आपके इसी में लिखा गया है, बहुत स्टूडेंट इसको पढ़ते नहीं हैं और डायरेक्ट वो बनाना शुरू कर देते हैं जिसके कारण से गलत हो जाता है। तो आपको इसका आंसर लिखना है कि हमारे किसान एवं कामगारों का, ठीक है, आपको नीचे से लिखना है, आपको नीचे से इसका जवाब लिखना है कि हमारे, आपको इसी तरह से लिखना है कि हमारे किसानों का, हमारे किसान का, हमारे किसान एवं, हमारे किसान एवं कामगारों का, हमारे किसान एवं कामगारों का, हमारे किसान एवं कामगारों का जीवन बहुत ही कठिन एवं क्या है, श्रम साध्य है। ठीक है, कंप्लीट इस तरह से लिख के आना है दोस्तों और 10 में 10 नंबर लेके जाना है। इस बार 20 फरवरी को एक भी गद्यांश को छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, चलिए मेरे अंदाज में पढ़िएगा तो 100 में 100 आएगा, हिंदी के पेपर में कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी 4 के आएगा। अगला है कि किस शिक्षा का नवीकरण आवश्यक है। आइए इसका भी जवाब आपके सामने दिया गया है, किस शिक्षा का नवीनीकरण आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे दिया गया होगा कहीं पर, आपको देखने को मिलेगा, हाँ देख लीजिए, आपके सामने दिया ही गया है कि देखिए यहां पर बताया गया है कि प्रौढ़ शिक्षा का नवीनीकरण तथा उसकी उपयोगिता को सामाजिक बनाना आवश्यक है दोस्तों, बस इतना ही लिखना है और ये आपका जो है पांचवा का आंसर हो जाएगा यहां से यहां तक। और आप लोगों को कॉपी में जैसे बताए हैं वैसे लिख के आना है। तो लिखना है प्रौढ़ शिक्षा का नवीनीकरण, आपको नीचे से जवाब लिखना है इस तरह से कि प्रौढ़ शिक्षा का नवीनीकरण, देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से बता रहे हैं, कभी नहीं भूलिएगा, प्रौढ़ शिक्षा का नवीनीकरण। ठीक है, ऊपर में हम पढ़ लिए हैं कि प्रौढ़ शिक्षा का नवीनीकरण तथा उसकी उपयोगिता को सामाजिक बनाना आवश्यक है दोस्तों। इस तरह से आप लोग बनाना आवश्यक है और इस तरह से आपने 5 क्वेश्चन का जवाब दिया और यहां से आपका जो है टोटल 10 मार्क्स मिल जाएगा और एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, इस तरह से लिखने पर आपको फुल मार्क्स देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो गद्यांश आता है बनाने वाला, यानी कि टोटल 4 गद्यांश रहता है, ठीक है, और इसमें से केवल आपको 2 गद्यांश बनाना होगा, जैसे ये आपका हो गया एक पहला गद्यांश और इसी का रहता है अथवा करके, तो हमने तो एक बता ही दिया, अथवा वाला जो है आप लोग बनाइए ना बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा दूसरा गद्यांश है उसको भी हम बताएंगे और उम्मीद करिएगे कि आप लोग पूरे गद्यांश को समझ गए होंगे। पहला काम है एक बार गद्यांश को आप लोग सही ढंग से पढ़िए और उसमें से आपको आंसर उसी तरह से निकालना है जिस तरह से दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो समझ में आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि गद्यांश का ऐसा शानदार तरीका कोई नहीं बताएगा और इस बार गद्यांश से 20 नंबर भैया लेके जाना है, एग्जामिनर भी नहीं रोक सकता है, और लेके जाना है और झंडा लहरा देना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा गद्यांश है अगले वीडियो में बताएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।